मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ साइट वर्ड्स के बारे में और कैसे आप बच्चे को साइट वर्ड्स बहुत आसानी से सिखा सकते हो। बेसिकली साइट वर्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। वो वर्ड्स जो आपके बच्चे को बुक रीड करते टाइम ना सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं, उन्हें बोला जाता है साइट वर्ड्स। मतलब ऐसे वर्ड्स जो आपके बच्चे ना देखते ही, इसे कोई फोनिक रूल से ना पढ़ के सीधे पढ़े, आई लाइक, माई सी कैन, इस तरीके से। मतलब देखते ही उसे पता लग जाना चाहिए ये लिखा है कैन। मतलब अगर आप अपने बच्चे की इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हो ना, जितने ज़्यादा साइट वर्ड्स उसे पढ़ा सकते हो, सिखा सकते हो, उतने ज़्यादा सिखाओ। बेसिक रूल्स होते हैं बच्चे को इंग्लिश सिखाने के। सबसे पहला होता है हम फोनिक साउंड पे काम करते हैं, दूसरा CVC वर्ड्स, और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है साइट वर्ड्स। तो आज के इस वीडियो में हम साइट वर्ड्स के ऊपर बात करेंगे। मेरे पास साइट वर्ड्स के लिए दो बुक्स हैं, दोनों बिल्कुल बेस्ट होने वाली हैं। ये छोटे बच्चों के लिए है, मतलब प्रेप क्लास के बच्चे इसे यूज़ कर सकते हैं, और ये है लेवल 2। ये फर्स्ट और सेकंड क्लास तक के बच्चे आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये है देखिए वेरी फर्स्ट साइट वर्ड एंड सेंटेंसेस। बुक अच्छी इसीलिए होती है क्योंकि वो पूरी एक्सप्लेन करी जाती है। मुझे वही बुक्स पसंद आती हैं जो होती है वही पसंद करने लायक। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है फर्स्ट साइट वर्ड आई, आई स्लीप। अब बच्चे को क्योंकि स्लीप पढ़ना नहीं आता है, तो यहाँ पर बच्चे के लिए एक पिक्चर बनाई गई है, तो बच्चा खुद पढ़ सकता है। आई स्लीप, आई स्केट, आई स्विम, आई ईट। मतलब इस पिक्चर को देख के बच्चा ये वाला वर्ड पढ़ सकता है। आई रन, आई रीड। और आप देख रहे हो सेंटेंसेस कितने मिल रहे हैं आपको, मतलब बहुत अच्छे से। अब फर्स्ट हमने लेटर पढ़ा दिया, फर्स्ट हमने वर्ड पढ़ा दिया, सेकेंड वर्ड आप देखेंगे जैसे ये है लाइक। तो अब यहाँ पर सेंटेंसेस में फर्स्ट और सेकेंड दोनों को यूज़ करके सेंटेंस बनाया जाएगा। आई लाइक पिज़्ज़ा, आई लाइक, ये क्या है, क्योंकि बनाना एक से ज़्यादा है तो लग जाएगा बनानास, देख सकते हो आप। आई लाइक एप्पल्स। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि सेंटेंसेस बहुत सारे मिलते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। फॉन्ट साइज़ काफ़ी अच्छा है क्योंकि छोटे बच्चों को ना थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखता है तो अच्छा लगता है उनको भी। नेक्स्ट आप देख सकते हो माई, तो यहाँ पर देखिए आई लाइक माई डॉग। तो देख रहे हैं आप कितना ईजिली बच्चों को समझा दिया गया है, और क्योंकि ये तीन वर्ड्स वो पहले ही सीख चुका है, तो यहाँ पर फोर्थ के लिए पिक्चर बना दी जाती है, जिसकी वजह से बच्चा ईजिली सेंटेंसेस को पढ़ पाता है। आगे चलते हैं, थोड़े से और वर्ड्स देखते हैं, जैसे गो, ए, टू, वी। आई कैन स्विम, आई लाइक टू स्विम। तो सेंटेंसेस बनाना भी बच्चा सीख रहा है, और बच्चे को ना यहाँ पर आप देखेंगे कैन और लाइक, कहाँ पर कैन यूज़ होता है, कहाँ पर लाइक यूज़ होता है, वो सब क्लियर किया जा रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें आपको मिलते हैं टोटल 55, जी हाँ 55 साइट वर्ड्स आपको मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है एक बुक में। और दूसरी बुक अभी हम देख लेते हैं, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। साइट वर्ड्स की अगर मैं बात करूँ, इतने सारे साइट वर्ड्स आपको इसमें मिल जाते हैं। पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है। बुक मैंने ये अमेज़ॉन से मंगवाई थी, आई थिंक 200 या 210 का कॉम्बो है ये बुक का, तो आप ट्राई कर सकते हो इसको। कुछ सेंटेंसेज मैं आपको दिखा देती हूँ, ये कुछ ये आप देख सकते हो, जैसे हैज़, हैव, हेयर। और बहुत अच्छी बात यही है कि जैसे बच्चे को ना पिक्चर दी गई है, जिसकी वजह से बच्चे के लिए रीड करना बहुत इजी हो जाता है। चलिए अब लेवल 2 देख लेते हैं, ये तो है लेवल 1, लेवल 2 देख लेते हैं। इसमें भी आपको बहुत सारे साइट वर्ड्स मिलते हैं, देखिए आप 55 साइट वर्ड्स आपको इसमें मिलते हैं, सब मिलते हैं आपको सेंटेंसेस के साथ। जैसे नो, अब देखिए नो, क्योंकि अब बच्चा बेसिक साइट वर्ड सीख चुका है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना और ज़्यादा टफ हो गया है। टिम सेड Can I have a snake? Mom said no. तो यहाँ पर बच्चे को बताया जा रहा है कि no का use कैसे करना है। तो यहाँ पर आप बच्चे को सिखा सकते हो सब कुछ। अब देखिए his, this is Tim. Tim like to ride his bike. तो his का use। Sentences अब धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब 2-3 sentences का group बनता जा रहा है। अब पहले हम single sentence दिखा रहे थे, अब हम एक से ज़्यादा सेंटेंस उसे सिखा रहे हैं, तो इससे बच्चे की बुक रीडिंग भी अच्छी होगी। मतलब अगर आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा साइट वर्ड सिखाते हो ना, तो आपके बच्चे की पढ़ने की स्पीड भी तेज़ होती है,
उसकी इंग्लिश अपने आप इम्प्रूव होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको कितने सारे साइट वर्ड्स मिल रहे हैं, डे, मे। और इस बुक में ना लास्ट में आपको एक एक्टिविटी भी मिलती है, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आपने इस बुक में जितने भी साइट वर्ड्स पढ़े हैं ना, जैसे वेरी, विथ, सेट, दे, इनटू, वेयर, अब ये बच्चे को याद करवाने के लिए, क्योंकि हम लोग साइट वर्ड सिखा रहे हैं, देखते ही बच्चे को खुद ब खुद ज़बानी आ जानी चाहिए कि ये लिखा है वेरी। अब उसके लिए बच्चे को स्पेलिंग याद करवाई जा रही है, और स्पेलिंग याद करवाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है फिलअप्स का। तो हर साइट वर्ड के लिए आपको इस तरीके से फिलअप्स मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो सारे। ये देखिए, वॉक, एम, नाउ, सो, इनटू, एन, तो ये इसके फिलअप्स मिलते हैं। एंड में बच्चा खुद लिखेगा, जब बच्चा अपना खुद लिखने लग जाएगा ना, तो समझ लीजिए उसे वो साइट वर्ड्स बिल्कुल उसके दिमाग में छप चुका है। अब जब भी उसे वो साइट वर्ड बुक में दिखेगा, वो एक ही बार में पढ़ लेगा। ये आप देख सकते हो। तो ये प्रैक्टिस बुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, दोनों बुक्स मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप इन्हें ट्राई करना चाहते हो, साइट वर्ड्स अपने बच्चों को सिखा रहे हो, सिर्फ साइट वर्ड सिखाने से प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि हम बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इन बुक्स की मदद से फ़ायदा ये हो रहा है कि आप सेंटेंसेस के थ्रू पढ़ा रहे हो, जैसे माई, आई लाइक माई डॉग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आप बच्चे को पूरा समझा भी पाते हो कि भाई माई क्या होता है, लाइक क्या होता है, आई क्या होता है। आई लाइक पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, तो लाइक, सिर्फ मैंने लाइक नहीं सिखाया बच्चे को, मैंने उसे उसका यूज़ करना भी सिखाया। तो आप इस तरीके की बुक पे ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए अगर आप साइट वर्ड्स सिखा रहे हैं बच्चे को। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, आप इन साइट वर्ड्स का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको दिखा देती हूँ, इनका स्क्रीनशॉट ले लो, गूगल से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हो सेंटेंसेस को। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया था, वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। मेरे चैनल पर नए हो और ऐसे यूज़फुल वीडियोस देखना चाहते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।